सो गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, जो कि आपका रहेगा छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती की, जो कि एसआई भर्ती का एग्ज़ाम आपका 6 नंबर को है। ठीक है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आज की क्लास होगी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। डेली आपको 8 बजे की क्लासेस कराई जा रही है। ठीक है, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके जल्दी देख लीजिएगा। साथ ही कंप्यूटर की क्लास 7:30 बजे होती है। ठीक है, कंप्यूटर की क्लास 7:30 बजे होती है और मैथ्स की क्लास 2:30 बजे होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सूबेदार प्लाटून कमांडर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट क्लास है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकादमी का नया नाम क्या होगा। देखिए, अभी हाल ही में रखा गया है नया नाम, तो क्या चर्चा में है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पुलिस में अकादमी का नाम परिवर्तन करने की घोषणा की है, तो उसका नया नाम आप नोट कर लीजिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो लोग पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की यानी कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएँ और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लासेस के लिए वीडियो को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन घंटी को, साथ ही वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसको स्थान की बात करें तो ये आपका रायपुर जिला है। विशेष 23 जनवरी को यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष इस दिन को परम दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की है। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस अकादमी का नया नाम परिवर्तन कर दिया गया, तो उसका नया नाम होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी। शायद आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है, तो एक बार नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पुलिस से यानी कि पुलिस अकादमी से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस वाहन का कोड नंबर क्या है, तो आप सभी को मालूम होगा पुलिस वाहन कोड का नंबर 3 होता है। ठीक है, यानी कि 3 नंबर होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि निकास्म यानी कि निष्काम सेवा आदर्श वाक्य छत्तीसगढ़ शासन किस विभाग का है, तो ये आपका नगर सेना का है। ठीक है, निष्काम सेवा जो कि आदर्श वाक्य छत्तीसगढ़ शासन किस विभाग का है, तो नगर सेना का है। ठीक है, जो लोग एसआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, 6 नंबर को आपको एग्जाम होने वाला है, तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 5.56 M के LMC राइफल में कितने पुर्जे होते हैं, तो LMC में कितने पुर्जे होते हैं, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर 94। ठीक है, 94 यानी कि 94 पुर्जे होते हैं। इसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिला में यानी कि जेल में प्रतिदिन औसत कैदियों को रखने की क्षमता कितनी है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में, ठीक है, जिला के जेल में कितने औसत कैदियों को रखने की क्षमता है, तो आपका हो जाएगा 100 से लेकर 400 के बीच में। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, 100 से लेकर 400 के बीच में। इसके बाद देखते हैं कि पुलिस विभाग में उपयोग में आने वाली लाठी आमतौर पर कहाँ से मंगाई जाती है, जो लाठी मंगाई जाती है आमतौर पर, ठीक है, जो पुलिस विभाग में ये वाली लाठी, ठीक है, आमतौर पर उपयोग में आमतौर लाई जाती है, उसको असम से मंगाया जाता है। कहाँ से मंगाया जाता है, असम से। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जानकारी। ठीक है, पुलिस विभाग में जो उपयोग में आने वाली लाठी आती है उसको असम से मंगाया जाता है। कहाँ से मंगाया जाता है, असम से मंगाया जाता है। ठीक है, पुलिस कमांड को कितने भागों में बांटा गया है, जो पुलिस कमांड होता है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका आ जाएगा 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पुलिस कमांड को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पुलिस कमांड में कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया, वो कौन कौन से भाग हैं, कमेंट में ज़रूर बताएँ। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ का पुलिस मुख्यालय आप सभी को पता है रायपुर में है। ठीक है, रायपुर में, नोट कर लीजिएगा, जिनको पता नहीं है वो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस रेंज हैं, तो छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस रेंज हैं, तो आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ में 6 पुलिस रेंज है। कितने हैं, 6। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन इसमें 6 आएगा। ठीक है, कितने पुलिस रेंज है, 6 आएगा, ये गलती से 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, 6 आएगा। इसके बाद देखते हैं कि छत्तीसगढ़ को केंद्र बनाकर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में नक्सलियों के विरुद्ध प्रारंभ होने वाला व्यापक अभियान है, तो इसका आंसर ऑपरेशन हिंट है, ऑपरेशन की सलवा जुड़ू है, ऑपरेशन गरुड़ है, यानी कि तीनों ही ये आपका विरुद्ध प्रारंभ होने वाला व्यापक अभियान है। इसके बाद देखते हैं
सरगुजा, कोरिया, जसपुर, बलरामपुर एवं सूरजपुर जिले के क्या समानता है? तो इसमें क्या समानता है, तो देखिए सरगुजा, कोरिया, जसपुर, बलरामपुर एवं सूरजपुर पुलिस जिले में क्या समानता है, तो आपका सरगुजा रेंज समानता आएगी। ठीक है, सरगुजा रेंज क्या आएगी, सरगुजा, ठीक है, जो कि क्या है आपका समानता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा पुलिस रेंज कौन सा है, तो सबसे छोटा पुलिस रेंज आपका हो जाएगा राजनांदगांव दुर्ग, जो कि 27 जिलों के अनुसार दुर्ग सबसे छोटा जिला है, दुर्ग सबसे छोटा जिला है 27 जिलों के अनुसार, लेकिन 28 जिलों के अनुसार गौरेला पेंड्रा मरवाही है। ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही सबसे छोटा जिला बना है। ठीक है, 28 जिलों के अनुसार। अब तो देखिए हाल ही में 33 जिला हो चुका है, कितने हो चुके हैं वर्तमान में, कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। ठीक है, किस पुलिस रेंज में 5 पुलिस जिले शामिल हैं, तो ये आपका आ जाएगा सरगुजा और रायपुर, कौन सा आ जाएगा, सरगुजा और रायपुर। ठीक है, 5 पुलिस जिले शामिल होंगे इसमें। इसके बाद छत्तीसगढ़ में रेलवे पुलिस जिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में रेलवे पुलिस जिले कितने हैं, एक ही हैं, छत्तीसगढ़ में तो एक ही रेलवे पुलिस जिले हैं ना। उसके बाद देखिए पुलिस महानिरीक्षक का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए आप सभी को मालूम है पुलिस महानिरीक्षक का आपका एक ही है बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में, ठीक है, जो पुलिस महा मुख्यालय है आपका बिलासपुर में है। ठीक है, इसके बाद है आपका राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, तो राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, बांसुरी में, कहाँ है, बांसुरी। ठीक है, चाबाखुरी, बांसुरी, चबाखुरी या बांसुरी, इसको क्या बोलते हैं, चबाखुरी, या इसको और क्या बोल सकते हैं, बांसुरी बोल सकते हैं। ठीक है, बांसुरी भी बोला जाता है इसको। ठीक है, क्या बोला जाता है, बांसुरी भी बोला जाता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र आपका भांचा यानी कि रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, यानी कि तीनों ही जगह ये आपको पुलिस मुख्यालय केंद्र स्थित है। उसके बाद संचालक लोक अभियोजक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका बिलासपुर ही आएगा। ठीक है, जो कि संचालक लोक का मुख्यालय बिलासपुर में है। ये आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में पृथक उच्च न्यायालय संबंधी जो अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा कब जारी की है, तो राष्ट्रपति द्वारा कब जारी की है, आप सभी को पता है 2000 में, ये आप सभी को मालूम है 2000 में जारी की गई है, लेकिन आपको परफेक्ट टाइम बताना है तो ये आपको 27 अक्टूबर 2000 को हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास होने वाला है आपका हॉस्टल वाडाने की क्लास होने वाली है रात 9 बजे आपका हॉस्टल वाडाने की क्लास आज से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और SI की टोटल आपका 7 क्लास हो चुकी है। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट पर आप चेक कर सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक की क्लास भी चल रही है, इसके साथ ही SI प्री के एग्ज़ाम भी तैयारी कराया जा रहा है, गणित का भी कराया जा रहा है, आप लोग बस हिंदी और अंग्रेजी की क्लास खुद से तैयारी कर लें। ठीक है, देश का 19वां उच्च न्यायालय बिलासपुर में कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये आपका आ जाएगा 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये आपका न्यायालय में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के लिए कितने प्रकरण स्थानांतरित किए गए हैं, तो मध्य प्रदेश कितने प्रारंभित किए हैं, टोटल आज क्वेश्चन हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, SI भर्ती के लिए 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं और हॉस्टल वाडाने के लिए टोटल 30 क्वेश्चन देखेंगे, हॉस्टल वाडाने के लिए 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपका 20,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है उच्च न्यायालय बिलासपुर के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, तो आपका RS गर्ग है। ठीक है, कौन है, RS गर्ग है, जो कि उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रथम कार्यवाहक हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये क्या बोलते हैं, W.शशांक। ठीक है, W.A. शशांक। ठीक है, W.A. शशांक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। महिलाओं तथा बालक बालिकाओं को उपज पुलिस कर्मियों को पुरस्कार दिया जाता है, तो आपका रानी क्या है, रानी सुवर्ण कुंवर स्वर्णा। ठीक है, रानी स्वर्ण कुंवर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेल वन मंडल राजस्व मंडल परिवहन कहाँ स्थित है, तो ये आपका बिलासपुर आ जाएगा। और आप सभी के लिए क्वेश्चन लाए हैं, वर्तमान में पुलिस व्यवस्था किसकी देन है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर। वर्तमान में जो पुलिस व्यवस्था है किसकी देन है, मराठों की, अंग्रेजों की, कल्चरों की या अमेरिका की, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें। जो लोग SI की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है,
पार्ट टू वीडियो में आपका रहेगा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से नदी अफवाह तंत्र से, ठीक है। हॉस्टल वार्डन की क्लास 9:30 बजे रहती है, ठीक है। रात 8 ये 8 बजे की जो क्लास थी उसको चेंज कर दिया गया, 9:30 बजे रहेगी हॉस्टल वार्डन की। पार्ट टू में ये आपका एसआई की है 7:30 बजे की रहती है, ठीक है। एसआई का जो परीक्षा वाला क्वेश्चन हम लाते हैं 7:30 बजे रहती है, ठीक है। कंप्यूटर का भी 7:30 बजे है, कंप्यूटर का